राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक कांग्रेस नेता के साथ लूट की वारदात होते होते रह गई। अपने परिवार के साथ शादी समारोह से लौट रहे कांग्रेसी नेता सुरेश ठाकुर पर जानलेवा हमला कर लूटने की कोशिश की गई। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने चैन स्नैचिंग का प्रयास किया। वहीं रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर आरोपियों पर पड़ी तो वे भाग खड़े हो गए। निगम सभापति प्रमोद दुबे सहित अन्य कांग्रेसी घटना की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इसकी शिकायत की। मेरे परिवार के रिश्तेदार यहाँ शादी की, हम लोग पूरा परिवार दो गाड़ी में गए थे। मेरी मिसेज, मेरी बहू, मेरे बेटे, भतीजे लोग, मेरे भांजे लोग सब गए दो गाड़ी में। एक गाड़ी निकल गई, सेकंड गाड़ी मेरी जा रही थी, मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे साथ मेरे भाई, भतीजे सब बैठे, मिसेज बैठे थे। भाड़ा से डंडा आके मोटरसाइकिल वाला डंडा मारा, कांच में ड्राइव कर टूट गया। बोलने के बाद मैं रुक गया, बड़ा उसके बाद गाड़ी चढ़ना जा करके, क्या बात है देखकर हो सकता है नशे में टकरा रहा हो गाड़ी। जब उसका डंडा दूसरा टोपी पहना तो वो आया, गेट खोल दिया, फोन मैंने ऐसे खोला, मैं लपेटा मारा यहाँ पर, चाय को पकड़ पूरा ऐसा कर लिया, हाथ से ये लगा उससे, और उसके बाद मेरे चेहरे में बिना टाइप का चाकू डे मारने के अपना ऐसा किया कि यहाँ पर दो ढंग। उसके बाद भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई, बोले क्यों भी क्या कर रहा है ऐसा कर रहे, तो उन्होंने बोले रोजगार साले क्या कहते रहे बात करें। फिर गाड़ी उलट भगे तो उन लोग फिर भीड़ आगे पड़ो तो उन लोग भगे भी, बस ये थाने आए। एक जन मैं उसको पहचानता नहीं, वो लड़का पंडित ब्राह्मण था, बोले मैं पंडित हूँ। वो लड़का आ जाता नहीं, बोले यहाँ का डॉन है, बोले और नाम बताया क्या, नाम बताया इन लोग, बोले आ जाता नहीं यही करते हैं, और बोले आप रिपोर्ट लिखाइए। मैं पहले रिपोर्ट नहीं लिखा रहा, बोले चलो जानते, लेकिन बोले रिपोर्ट लिखाई। सब बच्चे लोग मेरे आए, घर वाले आ गए, रिपोर्ट अपना हम लिखवाए। रात के 1:30 बजे तक मुलाजा हुआ, सब कुछ हुआ। भैया लोग बताया सुबह घटना, भैया बोले चलो ऐसे भैया गिरीश भैया हमारे पंडित सरवती मौला, हम लोग इधर आए संगठन के लोग सब परिचय। मैं सुरेश ठाकुर हूँ, कांग्रेस का थोड़ा कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नेता जो विभिन्न पदों पर रहे हैं, शहर कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश, उनके साथ एक अमानवीय घटना रात को घटी है। परिवार के साथ वो आ रहे थे, उनके गाड़ी में सामने में अटैक हुआ, लेकिन ये राजधानी के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं वो अशोभनीय हैं, और हम इस हिसाब से यही मांग करने आए थे कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, उसी मांग को लेकर हम लोग आए। शहर जिस प्रकार से इस प्रकार गुंडे बदमाशों के अगर चंगुल फंसा तो फिर इस शहर का फिर कोई माई बाप नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग ठीक है।